हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम योर फेवरेट अनबॉक्सिंग चैनल। तो कैसे आप लोग, हो सब लोग अच्छे वाले हैं। तो आज हम लोग लेके आए एक नया स्मार्ट वॉच जिसका मॉडल नंबर है GW67 प्लस। तो आज हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, देखेंगे इसके फीचर्स और करेंगे इसका एक फर्स्ट लुक रिव्यू कि ये कैसा लगता है फर्स्ट लुक में। और हमारा एक गिव अवे कॉन्टेस्ट भी चल रहा है जिसमें हम प्रो 5 के जो मिनी एयरपॉड्स होते हैं वो गिव अवे कर रहे हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो आते हैं हम अपने स्मार्ट वॉच पे जिसका मॉडल नंबर है GW67 प्लस। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बॉक्स पैकिंग कुछ इस तरीके से आती है, आप देख सकते हो स्लिम बॉक्स पैकिंग है। बैक साइड में कुछ डिटेल्स दिए गए हैं, एप्लीकेशन का जो QR कोड होता है वो दिया गया है। तो ओपन करते हैं इसे। तो ये इसका यूजर मैनुअल, इसके अंदर डिटेल्स दी गई होती है। ये आता है 2 स्ट्रैप्स के साथ आता है, और इसके साथ ये वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है हमें। तो ये वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, और ये हमारे स्मार्ट वॉच का डायल। तो सबसे पहले ये जो स्ट्रैप है हम इसे इंस्टॉल करते थे स्मार्ट वॉच में। बहुत ही स्मूथली इंस्टॉल हो गया ये। नॉर्मली जो थोड़े सस्ते या फिर बजट रेंज वाले मॉडल आते हैं उनकी जो इंस्टॉलेशन इतनी स्मूथ नहीं होती है, ये बिल्कुल स्मूथली इसमें एडजस्ट हो गया। तो स्ट्रैप लगाने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा स्मार्ट वॉच। लुक काफ़ी अच्छा है इसका, और जो स्ट्रैप की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। और इसके साथ ही हमें दूसरा स्ट्रैप मिल जाता है ये। तो ये 2 पेयर्स ऑफ स्ट्रैप मिलते हैं, एक तो ये सिलिकॉन और एक ये। तो जो आपको पसंद हो आप इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डायल की। तो जो डायल साइज इस पे मिलता है हमें 44 mm का मिल जाता है। साइड में हमें 2 बटन देखने को मिल जाते हैं, और दोनों ही फंक्शनल है। ये भी फंक्शनल है और ये वाला बटन, दोनों ही फंक्शनल आ जाते हैं। लेफ्ट साइड में हमें स्पीकर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे राइट में यहाँ पे हमें एक माइक्रोफोन भी देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर कॉलिंग सपोर्ट भी है, मतलब आप कॉल पे बात भी कर सकते हो स्मार्ट वॉच के थ्रू। और जो इसकी केसिंग है ये अलॉय की बनी हुई है। बैक साइड में कुछ हमें सिरामिक फिनिशिंग, प्लास्टिक सिरामिक फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे इसके कुछ सेंसर है। अब असली सेंसर है नकली सेंसर है वो तो हमें इसके जो यूजर रिव्यू होगा फाइनल, जो इसको यूज़ करने के बाद मैं बताऊंगा, उसके अंदर मैं डिस्क्लोज कर दूंगा कि क्या है इसकी फंक्शनिंग। और इसके बैक साइड में कुछ कुछ चीज़ें मेंशन है, जैसे कि स्मार्ट वॉच जिंक अलॉय एंड IML केस, सफायर क्रिस्टल, मेड इन चाइना, हार्ट रेट, ब्लूटूथ। तो ये कुछ प्रिंटिंग है बैक साइड में। करीब आपको 1800 से 1900 के बीच में मिल सकता है, डिपेंडिंग आप कहाँ पे खरीद रहे हो कंपनी में। इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूँ, 1800 से 1900 प्राइस ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। और ये कन्वीनियंट वायरलेस चार्जिंग के साथ आता है, तो बहुत ही ईजी है इसको चार्ज करना, इजिली कनेक्ट हो जाता है। और इसका जो USB टाइप है ये आप किसी भी रेगुलर मोबाइल के चार्जर में कनेक्ट कर सकते हो, पावर बैंक या फिर लैपटॉप का। जो एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ चार्ज। ये हो गया, बस आपको सिंपली इसको ऐसे रखना है और चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए चार्ज होना स्टार्ट हो गया, तो बहुत ही कन्वीनियंट है इसको चार्ज करना। तो स्विच ऑन करते हैं हम अपने स्मार्ट वॉच को। ये दोनों बटन से स्विच ऑन हो जाता है, इससे भी आप स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हो, और इस बटन से भी आप स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हो। तो ये कुछ इसका आप देख सकते हो, काफ़ी अट्रैक्टिव लुक है इसका। ये जो वॉलपेपर जो लेटेस्ट इसका जो वॉच फेस है काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके अंदर वॉच फेसेस हमें कितने मिलते हैं। वॉच फेसेस आपको अगर चेंज करना है या फिर सेलेक्ट करना है तो आपको लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है, उसके बाद ये ऐसा कुछ आ जाता है। उसके बाद आप इसे भी चेंज कर सकते हो, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करीब 10 वॉच फेसेस आपको मिल जाते हैं। और जब सेलेक्ट करना है तो आप ऐसे सिंपली टैप कर दीजिए तो वो वॉच फेस सेलेक्ट हो जाता है। और इसकी डिस्प्ले क्वालिटी की बात करो तो काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी शार्प इमेज लग रही है मुझे। दूसरे वॉच फेस भी रख के दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार, सो दैट अच्छे से देख सकते हो आप। और जो इसके डिस्प्ले की क्वालिटी वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है, आप देख सकते हो आपके सामने पिक्चर भी काफ़ी क्रिस्प है, क्लियर है। और इसके ब्राइटनेस की बात करो तो आप देख सकते हो काफ़ी ब्राइट है। और इसमें हमें ये शॉर्टकट्स देखने को मिल जाते हैं, लेफ्ट में ये शॉर्टकट है, राइट में स्वाइप करेंगे तो ये हार्ट रेट एंड ऑल चालू हो जाता है, नीचे से स्वाइप करेंगे तो मैसेज जो नोटिफिकेशन होते हैं उसके शॉर्टकट्स हैं, और ऊपर से नीचे करेंगे तो हमें ये कुछ शॉर्टकट्स देखने को मिल जाते हैं। ये वाला जो है ये ब्लूटूथ का शॉर्टकट है, मोबाइल का ब्लूटूथ जो कॉलिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हो। इसको अगर ऑफ करोगे तो कॉलिंग ऑप्शन नहीं यूज़ कर पाओगे आप। ये ऑलवेज ऑन का जो ऑलवेज स्क्रीन ऑन का ऑप्शन है वो है, इससे आप इसको प्रेस करोगे तो आपकी स्क्रीन लॉक हो जाएगी। ये कुछ मनी एंड ऑल का है, ये इससे डायरेक्टली आप सेटिंग में जा सकते हो। और ये भी कुछ समथिंग है, यहाँ से सेटिंग में जाते हैं हम। तो ये देखिए यहाँ पे सेटिंग में हमें डिमिंग का ऑप्शन मिल जाता है, ब्राइट स्क्रीन ड्यूरेशन, स्क्रीन ऑफ टाइम, स्क्रीन ऑफ टाइम हम
फिलहाल फिलहाल ज्यादा बढ़ा के रख देते हैं। फोन सेटिंग देखने को मिल जाती है और यहाँ पे ये रेजी और रिस्ट वाली सेटिंग भी मिल जाती है। रेजी और रिस्ट वाली सेटिंग एक्चुअली ये होती है कि अगर आपने स्मार्ट वॉच को पहना है और जैसे आप यू नो अपने हैंड को ऊपर करते हो तो इसकी स्क्रीन जो होती है ना वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। तो ये बहुत ही यूजफुल सेटिंग है, ये आप ऑन कर सकते हो। फिर डू नॉट डिस्टर्ब, साउंड एंड वाइब्रेशन, लैंग्वेज सेटिंग, कनेक्ट मोबाइल फोन, इस पर क्लिक करोगे तो इसका जो QR कोड है इसके एप्लीकेशन का वो खुल जाएगा। तो इसे यू नो स्कैन करके आप इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और इसको कनेक्ट कर सकते हो। अबाउट में जाते हैं हम, अबाउट में देखिए क्या क्या है डिटेल। मॉडल नंबर है GW67+। इसके बाद यहाँ से रिबूट कर सकते हो, रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग भी कर सकते हो। इसमें पासवर्ड लॉक भी है तो आप इसके पासवर्ड फीचर को भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको लॉक भी कर सकते हो थ्रू पासवर्ड। और अगर इसकी टच रिस्पॉन्स की बात करो तो आप देख सकते हो बहुत ही स्मूथ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका टच, बिल्कुल भी कहीं पे लैग नहीं कर रहा, फंक्शनिंग प्रॉपर है इसकी टच स्क्रीन की। तो आप चेक करते हैं इसका जो मेन्यू स्टाइल होता है या फिर इंटरफेस होता है वो कैसा है। तो इंटरफेस में जाने के लिए आप कोई भी बटन इसको भी दबा सकते हो, इसको भी दबा सकते हो। तो ये कुछ इसका मेन्यू स्टाइल है, बहुत ही स्मूथ है देख सकते हो आप, और इसको आप चेंज भी कर सकते हो। और इसको चेंज करने के लिए आपको बस इसको दो बार प्रेस करना है, ये देखिए, और एक बार और करोगे तो ये वाला मेन्यू स्टाइल आ जाएगा। तो इसका स्मूथनेस काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो कहीं पे भी लैग नहीं कर रहा। तो जो इसका मेन्यू स्टाइल है या फिर यूज़र इंटरफेस कर लो, काफ़ी स्मूथ है, मतलब आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिल रहा, मतलब काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और इसे अगर आपको मोबाइल से कनेक्ट करना है तो आप इसको डायरेक्टली ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो, या फिर इसका जो एप्लीकेशन है वीयरफिट प्रो ऐप उसको अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हो और उससे भी कनेक्ट कर सकते हो आप। तो आप देख लेते हैं इसके अंदर में क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो फीचर के ऑप्शंस तो इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि हार्ट रेट मॉनिटर है, ब्लड प्रेशर है, SPO2 है, फिर डाटा, इसके अंदर आपको डाटा सिंक करके दिखा देगा कि आपकी जो एक्टिविटी होती है लाइक वर्कआउट होते हैं या फिर हार्ट रेट मॉनिटर, जो भी एक्टिविटी होगी सारी डिटेल वो इसके अंदर सम अप करके दिखा देगा। यहाँ पे स्लीप रिमाइंडर है, इंडोर एक्टिविटीज़ में हमें इंडोर रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग पूल, सीटअप्स, पुशअप्स और फ्री मूवमेंट्स भी, मतलब लाइक कुछ भी अदर एक्सरसाइज, ये सारे आते हैं। और आउटडोर में कुछ ज़्यादा ही स्मूथ है, और आउटडोर में हमें ये आउटडोर रनिंग, आउटडोर साइकिलिंग, ओपन वाटर फील्ड, सीटअप्स ऑन फुट, माउंटेनियरिंग, अदर स्पोर्ट्स। तो इसमें हमें फ़ोन का ऑप्शन भी मिल जाता है, कॉलिंग का ऑप्शन है, लाइक आप इसके थ्रू कॉल कर सकते हो या फिर कॉल रिसीव भी कर सकते हो, लेकिन इसको आपको मोबाइल से कनेक्ट रखना पड़ेगा तभी ये वर्क करेगा फीचर। ये देखिए यहाँ पे एक क्रॉस का ऑप्शन आ रहा है, मतलब इसको आपको फोन से कनेक्ट करना है तभी काम करेगा। इसके अंदर वेदर ऐप भी दिया गया है, वेदर ये अगर आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करते हो तो ये उसके साथ सिंक हो जाता है और ये आप जिस सिटी में उसका वेदर अपडेट देता है। ये इसके अंदर ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी दी गई है, इस पर क्लिक करते ही ये लाइक एक्सरसाइज स्टार्ट कर देगा, तो ये आपको बताएगा कि आप ब्रीथिंग करो, इनहेल करो, फिर एक्सहेल करो, तो इस टाइप का कुछ एक्सरसाइज है। स्टॉप वॉच का फीचर है, फिर म्यूजिक कंट्रोल फीचर भी दिया गया है इसके अंदर, शेक टू टेक एक तरीके से कैमरा कंट्रोल फीचर है, काउंट डाउन टाइमर, फिर इसमें आप मैसेज की नोटिफिकेशन देख सकते हो, कैलकुलेटर भी है इसमें, सेटअप, ये सेटिंग है वही जो हमने शॉर्टकट में आके देखा था। तो ये कुछ इसके फीचर्स दिए गए हैं, तो मैंने आपको सारे फीचर्स इसके दिखा दिए कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, बट अब वो कैसे काम करते हैं, कितने अच्छे से काम करते हैं या फिर काम करते हैं अभी कि नहीं, वो सारी डिटेल मैं आपको इसके जो यूजर रिव्यू वाली वीडियो होगी जो कि मैं अराउंड एक हफ्ते तक एटलीस्ट इसको यूज़ करने के बाद देता हूँ, उसके अंदर मैं इसकी जो बैटरी बैकअप एक्चुअली कितनी होगी, इसका जो कॉलिंग फीचर कैसे काम कर रहा है, हार्ट रेट फीचर या फिर जो फिटनेस फीचर है वो ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, सारी डिटेल मैं इसको पर्सनली यूज़ करने के बाद अच्छे से एक हफ्ते या फिर 10 दिन यूज़ करने के बाद मैं वो डिटेल्स आपको शेयर करता हूँ जो कि इसका एक फाइनल रिव्यू होता है। तो उस वीडियो में आप देख सकते हो इसकी जो फाइनल फीडबैक होगा, बट इस वीडियो में हम इसके फर्स्ट लुक रिव्यू की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट लुक में मुझे ये काफी अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी लग रही है, स्टेप क्वालिटी इतनी स्मूथ है, इंटरफेस भी इसका इतना स्मूथ है, टच रिस्पॉन्स आप देख सकते हो बहुत ही मक्खन की तरह स्मूथ है, और काफी सारे आपको ऑप्शन इसके अंदर मिल जाते हैं। तो फर्स्ट लुक में मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, इसकी ब्राइटनेस से लेके डिस्प्ले क्वालिटी से लेके इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है सब काफी अच्छी लग रही है मुझे। बाकी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है स्मार्ट वॉच को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हो, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। और इस मॉडल से रिलेटेड मैं और भी डिटेल में वीडियो बनाता रहूंगा, तो उसके अगर आपको अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।